देखिए हम तुम्हारे मुल्क के सचिन नाम के लोगों से बहुत परेशान होती। क्यों? वो दिखने में छोटे होती लेकिन काम उतने ही बड़े बड़े करती। देखिए आपका मुल्क उसको नागरिकता नहीं देती, ये बात एकदम कन्फर्म है। देखिए औरत जो है एक कोरा कागज़ होती और उस कोरे कागज़ पर दस्तखत करना मांगती, अगर दस्तखत करना बंद किया तो औरत कहीं और से दस्तखत करवाती। अब हमें देखिए, हम अभी भी कागज़ पर दस्तखत करती, सीधे पे भी करती, उल्टे पे भी करती। मरहबा मरहबा। तो दोस्तों नमस्कार, बीसी सेंटर आज मौजूद है दिल्ली में। तो दिल्ली में आज हमारे साथ पड़ोसी मुल्क के बहुत ही क्या होते हैं रूहानी शख्सियत रखने वाले, इनका नाम है जनाब फखरुद्दीन पठानी। खुशामदीद, खुशामदीद। और उनके साथ ये दो उनके शागिर्द हैं, एक आगा खान है और एक पीछा खान है। तो स्वागत है हमारे मुल्क में आपका जनाब। कैसा लगा हमारा शहर आपको ये बताइए, दिल्ली? वल्लाह क्या शहर है। अच्छा, मतलब मज़ा आया, चौकस मज़ा आ गया, चौकस बिल्कुल। अच्छा चलिए, आप आ गए हैं, आप क्योंकि पड़ोसी मुल्क से आए तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सीमा हैदर के बारे में बात कर लेता हूँ। जो सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई है, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए औरत जो है एक कोरा कागज़ होती और उस कोरे कागज़ पर दस्तखत करना मांगती, बराबर दस्तखत करते रहेंगे तो औरत कहीं नहीं जाती, अगर दस्तखत करना बंद किया तो औरत कहीं और से दस्तखत करवाती। अच्छा अच्छा ये बात। अब हमें देखिए, हम अभी भी कागज पे दस्तखत करती, सीधे पे भी करती, उल्टे पे भी करती। मरहबा मरहबा मरहबा। अरे अरे क्या बात है, क्या बात है, मतलब आप, अरे आपको थोड़ा अपनी उम्र का भी लिहाज करिए, इस उम्र में भी कुछ नहीं होती, उससे कुछ नहीं होती। देखिए हम आपको इस ज़िंदगी का एक उसूल समझाती, खुदा ने हमको एक कुदरती पेन दिया है, अगर उसको हम ज़्यादा गर्म रखती तो उसका इंक बह जाती, ठीक है, ज़्यादा ठंडा रखती तो इंक जम जाती। अच्छा, उसको बैलेंस करना मांगती, बैलेंस करना मांगती। यस, ये मरहबा मरहबा मरहबा। ये दोनों भी आपके शागिर्द बहुत ही सेवा में, देख रहा हूँ, हाँ में हाँ मिलाने में कोई आपकी कसर नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल। अभी जैसा कि 15 अगस्त में इंडिपेंडेंस डे हमारा किया, सीमा हैदर ने झंडा भी फहराया हो और मुर्दाबाद के आपके मुल्क के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाए, इसके लिए आप क्या कहेंगे? ला हौल वला कुव्वत, इसका फैसला हम नहीं, इसका फैसला खुदा करेगी, खुदा करेगी जी। मरहबा मरहबा मरहबा। ये लोग डरा देते हैं, बीच बीच में बोल देते हैं। ये जिस लड़के के पास आई है सीमा हैदर सचिन, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए हम तुम्हारे मुल्क के सचिन नाम के लोगों से बहुत परेशान होती। क्यों? वो दिखने में छोटे होती लेकिन काम उतने ही बड़े बड़े करती। अच्छा हाँ, अब ये सचिन है, ये दिखने में तो बिल्कुल छोटे से हैंडपंप की तरह दिखती, मगर इसकी गहराई अंदर 80 फीट तक होती। अच्छा। और जितना चलाते जाओ उतना ही पानी निकालती। मरहबा मरहबा मरहबा। क्या बात है, क्या लगता है कि भारत सरकार सीमा हैदर को क्या हिंदुस्तान की नागरिकता देगी? और अगर मान लीजिए उसको नागरिकता नहीं दी, उसको डिपोर्ट अगर कर दिया पाकिस्तान, तो आप लोग उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे? देखिए आपका मुल्क उसको नागरिकता नहीं देती, ये बात एकदम कन्फर्म है, उसको अपने देश वापस आना ही पड़ेगा। और वो हमारे देश वापस आती है, उसको मुल्क का कोई भी व्यक्ति हाथ नहीं लगाती, सिर्फ मेरे सिवा, आपके अलावा। मरहबा मरहबा मरहबा। हम खुदा के इंसाफ का इंतजार करती, जब खुदा इंसाफ करती तो सीमा वापस आती और हमारे साथ हमारी गुफा में रहती। मरहबा मरहबा मरहबा। हम तो कहती, हाँ। सीमा के साथ तुम भी हमारे साथ चलती, हम पठान का बच्चा है, हाँ। हमें तुम्हारे जैसे नौजवानों की जरूरत होती। मरहबा मरहबा मरहबा। झाटू हो गया भे, हमको कहाँ लिए जा रहे, जाओ जाले बिरयानी बिरयानी खाओ जाके। मरहबा मरहबा। घर हवा के कोई के अन्हारे